अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आपकी सिंधी की टीचर मिस मजाला। आज हम आपको सिंधी का चैप्टर हैदराबाद जो शहर इसकी रीडिंग कराएंगे। इसके बाद फिर आपको वर्कशीट का काम बताएंगे। सबसे पहले आप पहले इसको समझ लीजिए चैप्टर को, उसके बाद आप काम करें। हैदराबाद सिंध जो कराची खां पोए बियो नंबर वॾो शहर आहे। हीउ शहर सिंधु नदी जे उभरंदे किनारे गंजी चक्र ते अड़ियल आहे। हैदराबाद सिंध का कराची के बाद दूसरा नंबर बड़ा शहर है। ये शहर सिंध दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर गंजी चक्कर ते पर बना हुआ है। तिन्हनि करे हितां जूं हवाऊं वणंदड़ ऐं आबहवा मौजूदु आहे। इसी वजह से यहाँ की हवाएं दिल को लुभाने वाली और मौजूद होती हैं, यानी फरहत बख्श हवाएं हैं। यहाँ की हैदराबाद जो रातियूं फरहत बख्श ऐं थधियूं थींदियूं आहिनि। हिन शहर जा रस्ता साफ़ सुथरा ऐं कुशादा आहिनि। हैदराबाद की रातें, यानी हैदराबाद में जो लोग रहते हैं वहाँ हैदराबाद की रातें फरहत बख्श होती हैं, यानी दिल को ठंडक पहुँचाने वाली होती हैं और ठंडी होती हैं। इस शहर के रास्ते साफ़ सुथरे और कुशादा हैं। रस्तन ते बसूं, मोटरूं ऐं रिक्शाउनि जी अच वंझ जारी रहंदी आहे। रास्तों पर बसूं, मोटर गाड़ियां और रिक्शाओं की आना जाना लगा रहता है। हिन शहर जो पुराणो नालो नेहरुन कोट ॿुधायो वञे थो। इस शहर का पुराना नाम नेहरुन कोट कहा जाता था, जिन्हनि खे कलोड़ा ख़ानदान जे बादशाह मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़े फेराए हैदराबाद रखियो, जिसे कलोड़ा ख़ानदान के बादशाह मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़े ने तब्दील करके हैदराबाद रखा।